नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आईफोन प्रोडक्शन से, जहां पर दोस्तों बड़े स्केल पर देश में आईफोन की प्रोडक्शन को लेकर टाटा ग्रुप के द्वारा एक नई आईफोन फैक्ट्री प्लान की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री आईफोन की प्रोडक्शन को लेकर हमारे देश में सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री होगी। दोस्तों टाटा के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली इन्होंने विस्टोन के आईफोन प्लांट को एक्वायर किया, जो कि कर्नाटक में है। अभी वहां पर इनके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा मिलियंस ऑफ और आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इनके द्वारा ये नई फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। और क्योंकि इसके ऊपर अभी प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही है, तो कोई ज्यादा डिटेल तो सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका ये आईफोन प्लांट तमिलनाडु के हुजूर में बनकर तैयार होगा, जहां पर 20 के आसपास असेंबली लाइन सेटअप की जाएंगी और 50,000 से ज्यादा लोगों को एक डेढ़ साल के अंदर अंदर नौकरी भी यहां पर मिल पाएगी। अगर आप इसे विस्टोन प्लांट से कंपेयर करें तो विस्टोन प्लांट में अभी के समय में 10 से 12 हजार लोग काम कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये प्लांट 4 से 5 गुना बड़ा इजीली होगा। और अगर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हमारे टूरिज्म सेक्टर से, जहाँ पर दोस्तों देश के टूरिज्म सेक्टर के ग्रोथ को लेकर हमारी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि देश की ओवरऑल जीडीपी में जो टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज किया जाए। दोस्तों अभी के समय में टूरिज्म हमारे देश की जीडीपी में 4 से 6% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है, जो उतना ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, जो कई गुना हम ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटाइज करे तो। क्योंकि अभी के समय में हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जो नई नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की जा रही है इसके अंतर्गत यही देखा जाएगा कि जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जाए। फिलहाल इस पॉलिसी के अंतर्गत एक नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन करने की बात की गई है, जिसके हेड हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर होंगे, हमारे देश की जो टूरिज्म से रिलेटेड दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट टूरिज्म मिनिस्ट्रीज और जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी इसका पार्ट होने वाले हैं। उन्हीं के सजेशंस को कंबाइन करके ओवरऑल हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर किस तरफ जाएगा उसके ऊपर काम होगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है स्टील मेकर आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया से, जिनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि देश में स्क्रैप स्टील की प्रोसेसिंग को लेकर वो 3 नए स्क्रैप प्रोसेसिंग सेंटर सब सेटअप करने जा रहे हैं और इनके ऊपर 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। तो सो इनमें से एक प्लांट तो गुजरात के हजीरा में बनकर तैयार होगा, जहां पर रिसेंटली इन्होंने एक स्टील प्लांट को एक्वायर किया है। एक प्लांट अहमदाबाद में बनकर तैयार होगा, जबकि एक प्लांट महाराष्ट्र के खोपोली में बनकर तैयार होगा। और ये इनके लिए सेटअप करना जरूरी भी है, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा जो ओवरऑल स्टील प्रोड्यूस किया जाता है उसमें स्क्रैप स्टील का मिक्स 3 से 5% के आसपास होता है, जबकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10% के आसपास है। पर उसी लेवल तक जाने के लिए इनके द्वारा स्क्रैप स्टील प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जो कि मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के डिजिटाइजेशन को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा TCIL इंडिया के साथ मेक MOU साइन किया गया है। और इसके अंतर्गत हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आपको डिटेल में बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 588.68 करोड़ स्पेंड की जाएंगी, जिसके अंतर्गत हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो डिजिटल कैपेबिलिटीज हैं उनको इन्हांस किया जाएगा। एक एडवांस डेटा सेंटर, एक रोबस्ट डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, ICG की साइट्स की एनहांस कनेक्टिविटी और ERP सिस्टम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और कह सकते हैं कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू और एफिशिएंटली ऑपरेट और मैनेज हो पाएंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर से, जहाँ पर दोस्तों नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक और पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिहान में एयरबस के द्वारा उनकी एक नई MRO फैसिलिटी को ओपन कर दिया गया है, जिसका इनोग्रेशन महाराष्ट्र के डिप्टी CM के द्वारा किया गया है। दोस्तों एयरबस के बारे में जैसा कि आप जानती हैं कि एरोस्पेस सेक्टर में ये एक लीडिंग जायंट कंपनी है और ये भारत के साथ सप्लाई चेन को रैपिडली एक्सपांड कर रहे हैं, उसी का ही एक टेस्टामेंट है। MRO फैसिलिटी स्पेसिफिकली एयरबस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए सेटअप की जाएगी, जहां पर हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के ऊपर काम होना है। और ऐसा नहीं है कि एयरबस ने खुद इसको सेटअप किया है, इंडियन कंपनी इंडेबार एविएशन के साथ मिलकर उन्होंने इसको सेटअप किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत नागपुर के मिहान में जो फैसिलिटी उन्होंने सेटअप की है वो इनकी मेन हब होगी, लेकिन आगे चलकर इंडेबार एविएशन उनकी जो मुंबई और नई दिल्ली में जो फैसिलिटीज है वहां पर भी एयरबस को MRO फैसिलिटीज दे सकता है। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर हमें इस तरह की और डेवलपमेंट्स होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली दो अपडेट निकल कर आई है उत्तराखंड से, जहां पर दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन को और बढ़ाते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 6 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और 17,000 करोड़ रुपए स्पेंड करके इन सभी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इन सभी प्रोजेक्ट को THDCIL और UJVNL, ये जो दोनों के दोनों एनर्जी कंपनीज हैं, इनके एक जॉइंट वेंचर के द्वारा मिलकर सेटअप किया जाएगा। 1,719 मेगावाट की इनकी टोटल कैपेसिटी होगी। थोड़ा सा आपको मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊं तो उत्तरकाशी में 63 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पिथौरागढ़ में 280 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पिथौरागढ़ में ही 146 मेगावाट का एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, टेहरी गढ़वाल में 600 मेगावाट का एक बड़ा पंप्ड स्टोरेज प्लांट, जबकि लास्ट पौड़ी गढ़वाल में भी 630 मेगावाट का
एक बड़ा पम्प्ड स्टोरेज प्लांट सेटअप किया जाएगा। मोस्टली अगले 5 से 6 सालों के अंदर अंदर ये सभी प्लांट्स बनकर तैयार हो जाएंगी, जिसके चलते एनर्जी जो बूस्ट होगी होगी, साथ साथ इनके कंस्ट्रक्शन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाएंगी। अगली 2 सब्डेट निकल कर आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। जहाँ पर दोस्तों HAL का कहना है कि तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को लेकर अभी वो 3 कंट्रीज के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके थ्रू HAL काफी कोशिश कर रही है कि हमारे जो तेजस जेट्स है उनको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए। दोस्तों तेजस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा एक होम ग्राउंड फाइटर एयरक्राफ्ट है, और अभी इसके एक्सपोर्ट को लेकर HAL नए नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि इनको एक्सपोर्ट किया जा सके। इजिप्ट और अर्जेंटीना ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ में ऑलरेडी डिस्कशन चल रही थी, और अभी इसमें नाइजीरिया भी जुड़ गई है क्योंकि नाइजीरिया के साथ में भी एक्सपोर्ट को लेकर हमारी HAL ने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है क्योंकि अभी ये डिस्कशंस काफी इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। हो सकता है कि आगे चलकर जब और डिस्कशंस होंगी और मीटिंग्स होंगी तब कोई ठोस स्टेटमेंट सामने निकल कर आए। इनफैक्ट मलेशियन डिफेंस फोर्सेज, जिन्होंने रिसेंटली फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर भी फ्लोट किया था, वहां पर तेजस उनके टॉप 2 कंटेंडर्स में आया था। हालांकि उन्होंने बाय तो साउथ कोरियन F-50 को किया है, लेकिन वहां पर तेजस टॉप 2 कंटेंडर में आया था, ये भी काफी बड़ी बात होती है। और अभी जैसे HAL इसके एक्सपोर्ट को लेकर ट्राई कर रही है, डेफिनेटली हमें आगे चलकर इसको लेकर डील्स भी साइन होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली 2 सब्डेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से, जहां पर दोस्तों फास्ट रेल कनेक्टिविटी के लिए हमारी रेलवे के द्वारा लखनऊ के लिए 6 नई वंदे भारत ट्रेन प्लान की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों लखनऊ से जो वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होंगी, ये आगे चलकर मुंबई, पटना, पुरी, कटरा, मेरठ एंड देहरादून, इन 6 सिटीज को कनेक्ट करेंगी। इन 6 वंदे भारत में से 3 वंदे भारत तो चेयर कार वाली होंगी, जबकि 3 वंदे भारत स्लीपर क्लास की होंगी, जो कि मोस्टली लंबे रूट पर चलेंगी। और 6 में से कहा जा रहा है कि 3 तो लखनऊ चारबाग स्टेशन चलाई जाएंगी, जबकि 3 गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी, जो कि करंटली रीडेवलप किया जा रहा है। और अभी जो लखनऊ से पटना के बीच में वंदे भारत चलाई जानी है उसको लेकर सर्वे स्टार्ट हो चुका है, जबकि लखनऊ से देहरादून के बीच में जो वंदे भारत चलनी है उसका सर्वे अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। आज के दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा से, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रो के एक्सपेंशन को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक नई कंपनी का फॉर्मेशन अप्रूव कर दिया गया है, और इस कंपनी का नाम गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड रखा जाएगा, जो कि आगे से गुरुग्राम मेट्रो के जितने भी एक्सपेंशन होंगे सब पर काम करेगी। दोस्तों गुरुग्राम मेट्रो में अभी एक ही मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, जो कि कुछ एरियाज को कवर करती है, और कई सारे एरियाज को कवर करने के लिए मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ अराउंड 28.5 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। 27 मेट्रो स्टेशन भी इसमें बनकर तैयार होंगे, और ये पूरी की पूरी मेट्रो लाइन एलिवेटेड होने वाली है। 5,452.72 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होगी, और आज के समय में इस मेट्रो लाइन को पूरी तरह से हर तरह की अप्रूवल मिल चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम जो स्टार्ट ही होने वाला है। हालांकि पहले इस मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाना था, पर क्योंकि अब नई कंपनी का फॉर्मेशन किया गया स्पेसिफिकली मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसी नई कंपनी के द्वारा इस लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।